नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ी शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने कुछ आपको फलों के नाम, पक्षियों के नाम, है ना, कीड़े मकोड़ों के नाम, ये सब बता दिया था कि उन्हें छत्तीसगढ़ी में क्या क्या कहा जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे ही आज हम लोग देखेंगे और कुछ कुछ छत्तीसगढ़ी शब्दावलियाँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास का शुभारम्भ करते हैं और देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दावलियाँ। ठीक है, चलिए तो आज ही अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आज की क्लास में सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ी विशेषण। ठीक है, छत्तीसगढ़ी विशेषण कौन कौन से हैं, अर्थात विशेषणों को छत्तीसगढ़ी में किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके पास उसके हिंदी नाम तो लिखे हैं, तो हमको देखना है इसको छत्तीसगढ़ी में किस किस नाम से जानते हैं। देखो, सुंदर, सुंदर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, सुग्घर। क्या बोलते हैं, सुग्घर, याद करते चलना है। सुंदर को छत्तीसगढ़ी में सुग्घर कहते हैं। बुरा, बुरा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी, खिख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिख, ध्यान रखना ना। सुंदर को सुग्घर बोलते हैं और बुरा को खिख कहा जाता है। क्या कहते हैं, खिख कहते हैं। गोरा को क्या बोलते हैं, गोरिया। ठीक है, गोरिया, गोरा को गोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरिया। ठीक है, या पैड़ा। ठीक है, पैड़ा, पैड़ा भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, गोरा को गोरिया या पैड़ा भी बोलते हैं। काला, काला को छत्तीसगढ़ी में करिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करिया, आपको ध्यान रखना है। ओके, मोटी लड़की को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी, मोटल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटल्ली, इसको भी आपको याद रखना है। चालक को छत्तीसगढ़ी, सॉरी चलाक है ना, चालक नहीं है, चलाक है, चलाक, चलाक को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, चंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंट, आपको ध्यान रखना है। देखो, सुंदर को सुग्घर, बुरा को खिख, गोरा को गोरिया, काला को करिया, मोटी लड़की को मोटल्ली बोलते हैं और चालाक को क्या बोलते हैं, चंट कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। चले, मूर्ख, मूर्ख को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। मूर्ख को क्या बोलते हैं, जोजवा। क्या बोलते हैं, जोजवा। मूर्ख को छत्तीसगढ़ी में जोजवा बोलते हैं। बौना को क्या बोलते हैं, बौना को बठवा। क्या बोलते हैं, बठवा। ठीक है, बठवा, बठुआ, बौना को बठुआ बोलते हैं। अगर लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो बठवी, क्या हो जाएगा जी, बठवी, बौनी या बठवी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये वही बौनी, बौनी को क्या बोलते हैं, बठवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बठवी, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, छोटा, छोटा को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, तो छोटा को छत्तीसगढ़ी में नानकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नानकुन, नानकुन कहा जाता है, है ना। प्यारी या प्यारा, प्यारी या प्यारा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, मयारू कहते हैं। क्या कहते हैं, मयारू। प्यारी या प्यारा को छत्तीसगढ़ी में मयारू कहा जाता है। आलसी, आलसी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, अल्लरहा। क्या कहते हैं, अल्लरहा। ठीक है, आलसी को छत्तीसगढ़ी में अल्लरहा कहा जाता है। अगेन देखो, सुंदर को सुग्घर, बुरा को खिख, गोरा को गोरिया, काला को करिया, मोटी लड़की को मोटल्ली बोलते हैं, चलाक को चंड कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन पूछ जाता है ना, आपको ध्यान रखना है। मूर्ख को जोजवा बोलते हैं, बौना को बठुआ बोलते हैं और बौनी को बठवी बोलते हैं, है ना। बुटरा, बुटरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, बुटरा, बुटरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं बौना के लिए और बौनी के लिए, बठवी या बुटरी। ठीक है, बठवी या बुटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए, छोटा को नानकुन बोलते हैं, प्यारा या प्यारी को मयारू बोलते हैं और आलसी को अंधेरा कहा जाता है। तो इन सबको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली सबको हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो, हल्का, हल्का को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, हल्का को छत्तीसगढ़ी में हरू कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हरू, हल्का को हरू बोलते हैं। संवेदनशील को छत्तीसगढ़ी में घुरघुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घुरघुरी, है ना। संवेदनशील को छत्तीसगढ़ी में घुरघुरी कहा जाता है। गुंगा, गुंगा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, गुंगा को कोंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंदा, गुंगा को कोंदा और गुंगी के लिए कोंदी शब्द का प्रयोग करते हैं। गुंगा को कोंदा और गुंगी के लिए कोंदी का प्रयोग करते हैं। अलाल, अलाल को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, अलाल को अल्लरहा। ठीक है, अलाल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अल्लरहा, ध्यान रखना, अलाल को अल्लरहा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरा, बहरा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी, बहरा। क्या बोलते हैं, बहरा बोलते हैं। वैसे ही लंगड़ा, लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खोरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खोरवा, लंगड़ा को खोरवा बोलते हैं। बहरा को बहरा कहा जाता है। लूला, लूला को छत्तीसगढ़ी में लुलवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुलवा। ठीक है, लूला को छत्तीसगढ़ में लुलवा कहा जाता है। चपटे नाक वाली को छत्तीसगढ़ी में छेपकी कहते हैं। क्या कहते हैं, छेपकी, है ना। चपके, चपटे नाक वाली को छत्तीसगढ़ी में छेपकी कहा जाता है। बूढ़ा, बूढ़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, डोकरा। क्या बोलते हैं, डोकरा, आपको ध्यान रखना है, बूढ़ा को डोकरा बोलते हैं। हरा को छत्तीसगढ़ी में हरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हरियर, है ना। लाल को छत्तीसगढ़ी में लाली कहा जाता है। बैंगनी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, भाटा रंग। क्या बोलते हैं, भाटा रंग। बैंगनी को भाटा रंग कहा जाता है। ठीक है, भाटा, भाटा रंग बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। और भूरा को क्या बोलते हैं, भूरुआ। भूरे को क्या बोलते हैं, भूरुआ। ये सभी को आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो हल्का को हरू, संवेदनशील को घुरघुरी, गुंगा या गुंगी को कोंदा या कोंदी बोलते हैं, अलाल को अल्लरहा बोलते हैं, बहरा को बहरा, लंगड़ा को खोरवा बोला जाता है, लूला को लुलवा बोलते हैं, चपटे नाक वाली को छेपकी बोलते हैं, बूढ़ा को डोकरा बोलते हैं, हरा को हरियर, लाल को लाली, बैंगनी को भाटा रंग और भूरा को भूरवा कहा जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन, होपफुली सबका ये हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग शरीर के अंगों के बारे में देख लिए, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो, सुंदर, सुघर, बुरा, खिक, गोरा, गोरिया, काला, करिया, मोटी लड़की मोटली बोलते हैं, चालाक को चंड बोलते हैं, मूर्ख को जोजुआ बोलते हैं, है ना, मूर्ख को क्या बोलते हैं, जोजुआ बोलते हैं, बौना को बठवा या बुटरा बोलते हैं, बौनी को बठवी या बुटरी बोलते हैं, छोटा को नानकुन, प्यारा या प्यारी को मयारू बोलते हैं, और आलसी को अल्लरहा बोलते हैं। ओके, चलिए, हल्का को क्या बोलते हैं, हल्का, हल्का को हरू बोलते हैं, संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशील को क्या बोलते हैं, घुरघुरी या घुरघुरा, है ना, गुंगा या गुंगी, तो कोंदा या कोंदी के लिए गुंगा या गुंगी का प्रयोग करते हैं, अलाल, अलाल, अलाल के लिए छत्तीसगढ़ी में अल्लरहा, है ना, अल्लरहा बोलते हैं, ध्यान रखना लाल के लिए, और बहरा, बहरा के लिए क्या बोलते हैं, क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, बहरा के लिए बहरा, और लंगड़ा के लिए खोरवा, लूला के लिए लुलुआ, चपटे नाक वाले के लिए आपको ध्यान रखना है छेपकी, और बूढ़ा के लिए डोकरा, हरा, हरियर, लाल, लाली, बैंगनी, भाटा रंग, भूरा, भुरवा, और आपका भारी हो जाएगा, आपका गरु हो जाएगा, भारी को क्या बोलते हैं, गरु, है ना, तो हो जाएगा आपका कुछ छत्तीसगढ़ी विशेषण, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो शरीर के अंग, कि शरीर के अंगों को छत्तीसगढ़ी में किस किस नाम से जानते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं शरीर के अंगों को किस किस नाम से जानते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं सिर, सिर को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मूड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूड़, है ना, सिर को मूड़ बोलते हैं। बाल को छत्तीसगढ़ में चुंदी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, चुंदी। कान को छत्तीसगढ़ में कान ही कहा जाता है, ध्यान रखना है ना। भौ को छत्तीसगढ़ में बोलते हैं चंडी, ठीक है, जो एयर ब्रो होता है इसको, है ना, भौ को छत्तीसगढ़ में चंडी कहा जाता है। आंख को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आंखी, क्या कहते हैं जी, आंखी, आंख को आंखी कहा जाता है। ओठ को होंठ बोलते हैं ना, ओठ को छत्तीसगढ़ी में होंठ कहते हैं, होंठ, है ना, हिंदी में ओठ का प्रयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में होंठ का प्रयोग करते हैं। चलो, ठुड्डी, ठुड्डी किसको बोलते हैं, दाढ़ी को, ठुड्डी दाढ़ी को कहा जाता है। गला, गला टोटा को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टोटा को हिंदी में गला बोलते हैं, और या इसी को घेंच, घेंच भी बोलते हैं, ठीक है, तो गला को छत्तीसगढ़ में टोटा या घेंच के नाम से जानते हैं। कंधा, कंधा को खांध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खांध, कंधा को छत्तीसगढ़ में खांध बोलते हैं। नाभि को क्या बोलते हैं, बोडरी, ठीक है, बोडरी, या कई लोग बोड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, बोडरी या बोड्डी, है ना, बोड्डी, ये किसको बोलते हैं, नाभि को बोलते हैं, ध्यान रखना है, है ना। नाखून, नाखून क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, नख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नख, नाखून को नख बोलते हैं। अंगूठा, अंगूठा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अंगठा, क्या बोलते हैं, अंगठा, है ना, अंगूठा को अंगठा कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी का हो गया होगा। देखो, सिर को मूड़ बोलते हैं, बाल को चुंदी, कान को कान्ही को कहा जाता है, भाव को चंडी बोलते हैं, आँख को आँखी कहा जाता है, होंठ को, मतलब ओठ को होंठ बोलते हैं, ठुड्डी को दाढ़ी कहते हैं, गला को टोटा या घेच कहा जाता है, कंधा को खांध बोलते हैं, ओके, नाभि को बोडरी या बुड्डी बोलते हैं, नाखून को नख बोलते हैं, ध्यान रखना, और अंगूठा, अंगूठा को छत्तीसगढ़ी में अंगठा कहा जाता है। होपफुली सभी का हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं पैर, पैर को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं जी, पैर को छत्तीसगढ़ में गोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोड़, है ना, पैर को छत्तीसगढ़ी में गोड़ बोलते हैं। घुटना, घुटना को माड़ी बोलते हैं, सभी को पता होगा घुटना को माड़ी कहा जाता है, ध्यान रखना है, है ना। गर्दन का पिछला हिस्सा, ये गर्दन का पिछला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, घेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घेंच, है ना, गर्दन के पिछला हिस्सा को घेंच कहा जाता है। धमनी, धमनी को नाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाड़ी, धमनी को नाड़ी कहा जाता है। कलाई, कलाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलाई को मुरवा, ठीक है, कलाई को छत्तीसगढ़ी में मुरवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मुरवा, कलाई को छत्तीसगढ़ी में मुरवा कहा जाता है। ओके, चलो, तलवा, तलवा को छत्तीसगढ़ में पौरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौरी, तलवा को छत्तीसगढ़ में पौरी बोलते हैं। कमर, कमर को छत्तीसगढ़ी में कन्हा कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्हा, है ना। कोहनी को क्या बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, हुदा, कोहनी को छत्तीसगढ़ी में हुदा कहा जाता है, क्या कहते हैं, हुदा, है ना। चेहरा, चेहरा को छत्तीसगढ़ी में थोथना बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, थोथना बोलते हैं। छोटी आंख को छत्तीसगढ़ी में पोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटा, है ना। और मूंछ को छत्तीसगढ़ी में मेछा कहा जाता है, मूंछ को मेछा कहते हैं। और कलेजा को छत्तीसगढ़ी में करेजा कहते हैं, क्या कहते हैं, करेजा, आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर से देखते हैं, पैर को गोड़, घुटना को माड़ी, है ना, गर्दन का पिछला भाग घेंच, धमनी को नाड़ी, कलाई को मुरवा बोलते हैं, है ना, और तलवा को पौरी बोलते हैं, कमर को कन्हा बोलते हैं, कोहनी को हुदा बोलते हैं, चेहरा को थोथना बोलते हैं, ध्यान रखना, छोटी आंत को पोटा कहा जाता है, और मूंछ को मेछा बोलते हैं, और कलेजा, कलेजा को क्या बोलते हैं, करेजा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कलेजा का प्रयोग करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में करेजा का प्रयोग किया जाता है। ओके, होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक बार और जल्दी से देखिएगा तो और आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा इसको। चलो, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, रिश्ते नाते, है ना, हमने देखा, हमने सबसे पहले देखा कुछ छत्तीसगढ़ी विशेषण, उसके बाद शरीर के अंगों को छत्तीसगढ़ी में क्या क्या कहा जाता है, ये भी हमने देख लिए। अब देखते हैं रिश्ते नातों के नाम, ठीक है, रिश्ते नातों के नाम को छत्तीसगढ़ी में किस किस नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं, माताजी, माताजी को क्या बोलते हैं, दाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाई, ठीक है, दाई बोलते हैं, ध्यान रखना, दाई। पिताजी को ददा बोलते हैं, ठीक है, दाई, ददा, ठीक है, पिताजी को ददा बोलते हैं। बुआ, बुआ को क्या बोलते हैं जी, बुआ को, बुआ को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, बुआ को क्या बोलते हैं, ये
फूफू दीदी, क्या बोलते हैं, फूफू दीदी, है ना। बुआ को बोलते हैं फूफू दीदी बोलते हैं, ध्यान रखना है। और बुआ के पति को क्या बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूफा, ठीक है। बुआ को फूफू दीदी बोलते हैं और बुआ के पति को फूफा कहा जाता है। चाचा, चाचा को क्या बोलते हैं, कका, चाचा को क्या बोलते हैं, कका बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। और चाची को काकी कहते हैं, ठीक है, चाची को काकी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। वैसे मौसा, मौसा को छत्तीसगढ़ में मौसा कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसा। देखो हिंदी में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में ओ की मात्रा का। मौसी को मौसी बोलते हैं, ध्यान रखना। बड़े भाई को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, भैया, क्या बोलते हैं जी, भैया, ध्यान रखना है। भाभी, भाभी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, भौजी, क्या बोलते हैं, भौजी। भाभी को भौजी कहा जाता है, ठीक है, भौजी, भौजी आपको ध्यान रखना है। भाभी को भौजी बोलते हैं। दादाजी को क्या बोलते हैं बताओ, दादाजी को, दादाजी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, डोकरा बाबा, क्या बोलते हैं, डोकरा बाबा, है ना, डोकरा बाबा बोलते हैं। और वैसी अगर दादी जी को क्या बोलेंगे तो दादी जी को ध्यान रखना जी, दादी जी, दादी जी को डोकरी दाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोकरी दाई, है ना, दादी जी को डोकरी दाई कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो माता जी को दाई, पिताजी को दादा, बुआ को फूफू दीदी, बुआ के पति को फूफा, चाचा को कका, चाची को काकी, ध्यान रखना, चाचा को कका और चाची को काकी कहेंगे, है ना। वैसे ध्यान रखना है आपको, मौसा को मौसा बोलते हैं, मौसी को मौसी बोलते हैं, बड़े भाई को भैया बोलते हैं और भाभी को भौजी बोलते हैं, है ना, और दादाजी को डोकरा बाबा और दादी को डोकरी दाई कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, याद हो गया सभी का। आगे बढ़ते देखते हैं नाना, नाना को क्या बोलते हैं जी, नाना को, नाना को क्या बोलते हैं, मामा दादा, क्या बोलते हैं, मामा दादा, नाना को मामा दादा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। नानी को मामा दाई, क्या बोलते हैं, मामा दाई, नाना को मामा दादा और नानी को मामा दाई बोलते हैं, ठीक है, मामा दाई, मामा दाई बोलते हैं नानी को, है ना। उसके बाद पत्नी की बड़ी बहन, पत्नी की बड़ी बहन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ना डेढ़ सास, क्या बोलते हैं, डेढ़ सास, ठीक है, डेढ़ सास बोलते हैं। और देखो पत्नी का बड़ा भाई, उसको क्या बोलते हैं, डेढ़ सारा, क्या बोलते हैं, डेढ़ सारा, ठीक है, डेढ़ सारा, तो डेढ़ सास और डेढ़ सारा। और पत्नी का छोटा बहन, ठीक है, पत्नी की छोटी बहन, पत्नी की छोटी बहन क्या बोलते हैं, सारी, क्या बोलते हैं, सारी, ठीक है, सारी बोलते हैं। पत्नी की बड़ी बहन को डेढ़ सास बोलते हैं और पत्नी का बड़ा भाई डेढ़ सारा कहलाता है, है ना। और पत्नी का छोटा, पत्नी की छोटी बहन क्या कहलाता है, सारी कहलाता है, है ना। और पिता के मित्र की पत्नी, धारक देखो पिता के मित्र की पत्नी, तो पिता के मित्र की पत्नी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फूलदाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूलदाई, ठीक है, फूलदाई। डायरेक्ट देखो पिता के मित्र को क्या बोलते हैं, पिता के मित्र को फूल दादा बोलते हैं। अब उसके फूल दादा की पत्नी है तो उसको क्या बोलेंगे, फूलदाई बोलेंगे ना। तो डायरेक्ट ना पिता के मित्र की पत्नी को फूलदाई कहा जाता है। जेठ, जेठ को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, कूरा ससुर, क्या बोलते हैं जी, कूरा ससुर, जेठ को कूरा ससुर बोलते हैं, डायरेक्ट है ना। और पति का छोटा भाई, एक पत्नी अपने पति के छोटे भाई को क्या बोलेगा, देवर बोलेगा। और पति की छोटी बहन, है ना, एक पत्नी अपने पति की छोटी बहन को क्या बोलेगा, ननंद बोलेगी, ननंद, ठीक है, ननंद, ननंद बोलेगी वो पत्नी अपनी पति की छोटी बहन को, है ना। तो ध्यान रखना है, नाना को मामा दादा, नानी को मामा दाई, पत्नी की बड़ी बहन डेढ़ सास, पत्नी का बड़ा भाई डेढ़ सारा कहलाता है, पत्नी की छोटी बहन सारी, और ध्यान रखना है पिता के मित्र की पत्नी फूलदाई, और ध्यान रखना पिता के मित्र, ठीक है, पिता के मित्र क्या बोलते हैं, फूल दादा, है ना, और पिता के मित्र की पत्नी को फूलदाई बोलते हैं। जेठ को छत्तीसगढ़ में कूरा ससुर बोलते हैं और पति का छोटा भाई देवर कहलाता है और पति की छोटी बहन क्या कहलाता है, ननंद कहलाता है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ विशेषण देखे, छत्तीसगढ़ी विशेषण, उसके बाद हमने देखा रिश्ते नातों के नाम, है ना, उसके बाद हमने देखिए शरीर के अंगों के नाम। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार और इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, इसके बाद हम लोग आगे और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए। धन्यवाद सभी को, बाय।